बैठक हो रही है और इसी के साथ साथ चुनावों को लेकर चर्चा 11 बजे फिर से बीजेपी की बैठक है। बीजेपी कोर ग्रुप की आज यहां पर बैठक होनी है। आज भी टिकटों पर दूसरे दौर की बैठक में मंथन होगा और हमारे सहयोगी अवैस लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, एक तरफ ये कोरोना विस्फोट बीजेपी दफ्तर में और एक तरफ ये बड़ी बैठक, तो कैसे संभव हो पाएगी आज की बैठक कोरोना के इस विस्फोट के बीच में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बीजेपी मुख्यालय में हुआ है उसका असर आज की बैठक में होगा, क्योंकि सोमवार को जब लखनऊ में बैठक हुई थी उस बैठक में शामिल राधा मोहन सिंह जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उस बैठक में मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री और स्वतंत्रदेव सिंह भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी और तमाम आला नेता जो हैं वो शामिल हुए थे कोर कमेटी के, और लगभग 9 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे के आसपास जो है वो बैठक चली और बताया जा रहा है कि कई चरणों में ये बैठक होगी। सबसे पहले जो चरण हुआ था उसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई थी, जो नॉमिनेशन उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी उसके ऊपर स्क्रूटनी की गई। उसके बाद फिर जो बीजेपी की अपनी आंतरिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें जो लिस्ट तैयार आती है, जो उम्मीदवारों की दावेदारी आती है उनका स्क्रूटनी की गई। उसके बाद फिर जो और हालात हैं उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर चर्चा हुई। इसी बीच ये खबर आई कि बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद फिर लगातार उसके ऊपर चर्चा की गई, काफ़ी देर तक उसके ऊपर चर्चा हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो इस मामले में दखल दें और उनसे कहा गया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश करें, उनसे लगातार बातचीत करें। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में जो नाराज़ विधायक हैं उनसे लगातार बातचीत करें और उनसे पूछा जाए कि किस तरह के हालात जो हैं और क्या नाराज़गी है, की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। साफ तौर पे दोनों ही चीजों के ऊपर जो है बीजेपी की कल जो 9 घंटे की बैठक हुई है लगभग उसमें चर्चा हुई। हालांकि आज की जो बैठक होनी है, आज जो कल स्कूटनिक किए गए थे नाम उनके ऊपर चर्चा होगी और तीसरे और दूसरे फेज के नामों के ऊपर भी आज चर्चा हो सकती है, उनकी भी स्कूटनिक जो है वो की जा सकती है। इस स्कूटनिक के बाद जो नाम सामने आएंगे आज की बैठक में वो नाम जो है 13 जनवरी को बताया जा रहा है कि सीसी की बैठक होने वाली है बीजेपी की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो है वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि वो बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और उसी बैठक में अंतिम फैसला जो है वो चुनाव में कौन उम्मीदवार उतरेंगे पहले और दूसरे और तीसरे फेज में उसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। एक तरफ से साफ तौर से कहा जा सकता है कि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से बीजेपी ने अब पहल शुरू कर दी है या बैठकों का दौर जो है बीजेपी में शुरू हो गया। अलग अलग राज्यों से में किस तरह से कैंडिडेट के नाम तय करने, उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश को चुना गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में 10 तारीख से जो चुनाव शुरू होने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू होंगे। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि लगभग कल जो पहले, दूसरे और तीसरे फेज को लेकर बैठक हुई है उम्मीदवारों के नाम में 45 से ज्यादा जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट जो हैं वो कट सकते हैं। इस खबर पर भी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र